हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और कहानी जो कि आपको डराएगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। सुशील ने अपने तबेले में 6 गायें रखी हुई थी और वो अपनी उन 6 गायें की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। वो बेचारा दिन रात मेहनत करता और उसकी मेहनत रंग भी लाती थी। गांव में सिर्फ 2 ही तबेले थे, एक सुशील का और दूसरा राजू का, मगर ज्यादातर लोग सुशील से ही दूध खरीदते थे क्योंकि सुशील का दूध ज्यादा शुद्ध और ज्यादा बिकता था। सुशील अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहा था क्योंकि उसके तबेले का दूध पूरे इलाके में बिकता था और सब लोग सुशील की बहुत इज्जत करते थे। सुशील का तबेला उसके घर से कुछ ही फासले पर था और वो अक्सर रात को उसी तबेले में ही गुजार देता और कभी कभार अपनी बीवी बच्चों के पास भी आ जाता था। सुशील की बीवी कविता अक्सर सुशील को कहती कि तुम अपने तबेले में ही रहा करो, मगर वो घर भी आ जाया करता था। आखिर ये घटना ऐसे घटी, रोज के मामूल के मुताबिक घर से सुशील सुबह 4 बजे अपने तबेले में जाता और वो अपनी सब गायें को चारा डालता। चारा डालने के बाद सुशील उनका दूध दोहने के बाद वो गायों को दूध देता। जब सुबह की रोशनी आती तो सुशील गायें का गोबर साफ करने के लिए अपने तबेले की ओर बढ़ा तो अचानक वो देखता है कि उसकी एक गाय जिसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। वो सोचता है कि ये क्या हो सकता है, तो वो फौरन ही अपना काम खत्म करके डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को ले आता है। डॉक्टर गाय को हर तरफ से चेक करता है, मगर डॉक्टर को कोई खतरे वाली बात नजर नहीं आ रही होती। डॉक्टर सुशील को कहता है कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, तुम ऐसा करो कि इनको नहलाओ और इनके चारे का खास ख्याल रखो और इस गाय को सब गाय से अलग रखना। सुशील डॉक्टर की बात मानकर ऐसा ही करता है। वो एक नहीं सब गाय की खिदमत अच्छे से करना शुरू कर देता है। फिर 2 से 3 दिन के बाद एक और गाय की आंखें भी लाल पड़ जाती हैं। सुशील फिर से डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर गाय को हर तरफ से देखता है, मगर डॉक्टर को ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसे कोई भी बीमारी या कोई भी चीज ऐसी नजर नहीं आ रही। तो वो सुशील को बस यही कहता है कि ये बस गर्मी की वजह से इनका ये हाल हो गया है। तुम ऐसा करो, इस गाय को सब दूसरी गाय से दूर रखो और इनको नहलाओ, इनकी अच्छे से देखभाल करो। सुशील डॉक्टर की बात सुनकर ऐसा ही करता है और वो सब गाय को अच्छे से खिदमत करना शुरू कर देता है। मगर सुशील इस मामले की वजह से परेशान भी होता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही दिनों के बाद सुशील अपनी गाय से दूध निकाल रहा होता है तो उनमें से 2 गायें की आंखें भी लाल पड़ जाती हैं और सबसे भयानक बात, उनका दूध भी अचानक से लाल निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर सुशील को सच में हैरानी हुई और वो घबराहट के मारे परेशान हो जाता है। सुशील एक बार फिर से अपने तबेले में उस डॉक्टर को ले आता है। डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता, ना कोई उसे बीमारी नजर आती है और ना कोई ऐसी निशानी। डॉक्टर सुशील को कहता है कि भैया, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या समस्या है, तुम ऐसा करो कि किसी बाबा के पास जाओ, मुझे लगता है कि इसका इलाज सिर्फ उनके पास ही है। इन सब के बारे में सुशील अपनी बीवी कविता को बताता है तो कविता सुशील को एक बाबा का पता बताती है और कहती है कि तुम इसके पास जाओ, वो सब सही सही बता देंगे कि ये सब क्या हो रहा है। मगर सुशील कविता की बात को इग्नोर करता है और वो उस उम्मीद के साथ अपनी इन सब गायें की सेवा करना शुरू कर देता है।
कि शायद उसकी गायें ठीक हो जाएं। सुशील की ये सेवा सफल नहीं हो पाती और कुछ ही दिनों के बाद जो पहली गाय की आंखें लाल थी वो मर जाती है। तो फिर सुशील बड़ी परेशानी में पड़ गया, क्योंकि उसके सारे ग्राहक भी खत्म होते जा रहे थे और उसकी एक गाय भी मर गई थी। अगले ही दिन दूसरी गाय भी मर गई। फिर तो सुशील को पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सुशील एक रात तबेले में फेरा देने का सोचता है कि आखिर उसके तबेले में ये सब क्या हो रहा है। सुशील सारी रात तबेले में एक जगह बैठकर छुप कर देखता रहता है कि कौन है जिसकी वजह से उसकी सब गायें मर रही हैं। रात का टाइम हो जाता है, अचानक से कोई काली परछाई उसकी गाय की ओर बढ़ती है और उसकी गाय के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करती है। सुशील ये देखता है तो फौरन से अपने साथ डंडा लेता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है, मगर अचानक से वो चीज गायब हो जाती है। ये चीज सुशील के दिल दिमाग पर बहुत ज्यादा असर डालती है। वो वहम में पड़ जाता है कि ये क्या हो सकता है। फिर सुशील ये सारी घटना सुबह अपनी बीवी कविता को सारा किस्सा सुनाता है। फिर कविता सुशील को उसी स्वामी बाबा के पास जाने का कहती है। सुशील अपनी बीवी का कहा मानकर उसके पास आधी रात के पहर में चल पड़ता है। रात के वक्त सुशील उस बाबा के पास जाता है और वो सारी घटना बाबा को बताता है। और जब बाबा सारी कहानी सुन लेता है तो वो सुशील को कहता है कि कल तुम मेरे पास आना, मैं ध्यान लगाकर सब कुछ बता दूंगा। सुशील वापस घर आ जाता है, मगर उसे सारी रात नींद नहीं आती, ये सोचते हुए कि किस वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है, मेरा नुकसान क्यों हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है, वो काली परछाई क्या थी। ये रात सुशील बड़ी मुश्किल से गुजार पाता है और सुबह को बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा सुशील को बोलता है कि ये एक खतरनाक चुड़ैल का साया है जिसने ये सब किया है और वो तुम्हारी सब चीजों को नुकसान पहुंचाएगी। अब तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना होगा कि वो चुड़ैल तुम्हारी सब गायें को ना मार डाले। ये सुनकर सुशील बहुत हैरान हो जाता है और वो बाबा से कहता है कि मैंने आज तक किसी का बुरा भला नहीं चाहा और ना ही मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है। फिर बाबा उसे कहता है कि मैं ध्यान लगाऊंगा और उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करूंगा। फिर सुशील मायूस होकर वहां से उठकर आ जाता है और वो फिर से रात का पहरा देता है और देखना चाहता है कि कौन सी चीज है जो मेरी गाय को मार डालती है। आधी रात का वक्त नजदीक आ जाता है, मगर सुशील को कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती। ये सब देखते देखते सुशील की थोड़ी देर के लिए आंख लग जाती है। जब सुशील उठता है तो सुबह का उजाला होता है और वो उठकर जब अपने तबेले की ओर बढ़ता है तो वो क्या देखता है कि उसकी एक और गाय भी मर चुकी होती है। ये देखकर सुशील बहुत परेशान हो जाता है और वो ये सोचता है कि अगर मेरे नसीब में मेरी गाय नहीं लिखी हुई तो जो भगवान को मंजूर वही होगा। फिर सुशील अगली ही रात अपने घर जाकर सो जाता है। वो सुबह उठता है तो क्या देखता है कि उसकी एक और गाय भी मर जाती है और अगले ही दिन आखिरी गाय भी मर जाती है। अब सुशील के पास कुछ नहीं बचता जिससे वो अपनी जिंदगी गुजार सके, उसकी सब गाय मर चुकी और फिर उसके पास कुछ नहीं रहता। सुशील फिर बाबा के पास जाता है और उसको सारा किस्सा दोबारा सुनाता है। फिर बाबा ध्यान लगाकर देखता है तो वो कहता है, बच्चे जो तुम्हारी गायें थी वो सब मर चुकी हैं और अब तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा। ये सुनकर सुशील को कुछ राहत मिलती है और वो खुशी खुशी घर जाता है और अपने आने वाले कल की नई शुरुआत करने का सोचता है। फिर सुशील उस रात अपने तबेले में ही सोता है और ये सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे। ये सोचते सोचते सुशील को नींद आ जाती है। फिर अचानक से एक आत्मा सुशील के सर के पास खड़ी हो जाती है
और उसने अपने हाथ में एक बड़ा नुकीला खंजर भी उठाया होता है, जिससे वो सुशील की गर्दन पे वार कर डालती है और उसके सर को धड़ से अलग कर देती है और इसी तरह सुशील की भी मौत हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।